अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मेरी दुआया बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुश हों, और जहाँ जहाँ पर भी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली रहती है, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब की दुआएँ और आप सबका प्यार है तो बहुत ज़्यादा, आप सब ने इतना प्यार दिया है। और आज का नया व्लॉग लेके मैं आई हूँ और कोशिश कर रही हूँ। अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैं हर दो दिन के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप सबके प्यार की वजह से कि मैं जल्द से जल्द वीडियो को जो है अपलोड किया करूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और ये वीकेंड का व्लॉग है। वीकेंड पे हमने क्या किया था वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था तो हमने थोड़ा बहुत घर में करके काम भी किए हैं, इन्जॉय भी किया, सब कुछ किया, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। तो ये वीकेंड नाइट है और हम लोगों ने इसको इन्जॉय किया था, और यहाँ पर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, बहुत मज़ेदार से पिज़्ज़ा थे। इसकी कंप्लीट वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले कि ये मैंने कहाँ से लिए थे। खैर, अगर आपको नहीं पता चलेगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी, उसका लिंक शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर ये मॉर्निंग हो गई थी नेक्स्ट डे की, और मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए। बहुत सिंपल सा नाश्ता मैंने आज अपने लिए तैयार किया था, क्योंकि नाइट में हम लोगों ने अच्छा सा पेट भर के पिज़्ज़ा स्लाइस मैंने खाए थे। तो मैंने सुबह नाश्ते में एग ब्रेड खाने के बाद चाय पी, और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ साथ साथ लंच की भी, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा बिज़ी इसलिए भी जा रहा है कि कुछ घर के काम है और कुछ बाहर के काम है, और उसमें घर के कामों में कुकिंग सबसे ज़रूरी होती है कि वो कंप्लीट हो जाए तो फिर आपका काम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। खाने में मैंने बनाया था गोभी कीमा, और थोड़े से मैंने इसमें आलू भी डाले थे। और यहाँ पर बच्चे आज मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं। ये हम लोगों ने एक क्लोज़ेट जो है, हाली सारे जो फैमिली मेम्बर हैं हम सब अपनी एक क्लोज़ेट में ही शूज़ अपने जो विंटर के समर के सारे शूज़ एक ही क्लोज़ेट में हम लोगों ने अरेंज किए हुए हैं। तो अब भी आज हम लोग इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं और सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, इसको दोबारा से अच्छे तरीके से जो जो चाहिए होंगे वो मैं रखती जाऊंगी, और जो नहीं चाहिए उनको हम डोनेशन में डाल देंगे। और यहाँ पर मैं साथ साथ किचन क्लीन करने के बाद साथ ही मैं बच्चों के साथ हेल्प करवा रही हूँ, लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा काम था, उन्होंने ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उनको ज़्यादा बेटर पता था कि उनको क्या चीज़ें चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इस काम से फ़ारग होने के बाद शाम में बच्चों ने अपना होमवर्क किया, और इस वक्त सारे बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आयशा अपनी असाइनमेंट डन कर रही है, माशाल्लाह से उसकी ड्राइंग बहुत खूबसूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं उसकी ड्राइंग से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अल्लाह पाक सबके बच्चों को कामयाब बनाए और नेक बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जब तक बच्चे काम करते रहे मैंने उतनी देर में लॉन्ड्री कर ली, नमाज़ पढ़ ली सारी अपनी, जिस जिस तरह टाइम आता रहा। और ये शाम का टाइम है क्योंकि बच्चों को भी हम लोग साथ ही लेके जाते हैं जब भी ग्रोसरी करने जाएं। एक तो ये होता है कि उनको ग्रोसरी करनी आएगी, मैनर्स आएंगे, कैसे चीज़ों को कहाँ से कैसे खरीदना है। दूसरा, वो हम जब साथ लेके जाते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि बच्चे भी हमारे साथ आउटिंग पर जा रहे हैं। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए, और ग्रोसरी के वीडियो क्लिप मैं नहीं बना सकी थी, क्योंकि जब तक हम ग्रोसरी करके आए थे डिनर का टाइम था, डिनर करने के बाद मैं ऑलरेडी टायर्ड थी, तो मैंने फिर उसके क्लिप नहीं बनाए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब ग्रोसरी करूँगी तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी, ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, और आज मॉर्निंग में मैंने कुछ इतिहास नहीं कुछ किया था, लेकिन लंच में मैंने क्या बनाया था वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। बहुत मजेदार सा पास्ता मैंने रेडी किया था, तो मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर करूँ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स साथ, और कमेंट करना ना भूलें। तो चलें मज़ेदार सा पास्ता तैयार करते हैं। पास्ता बनाने के लिए मैंने पानी को कर लिया बॉयल, थोड़ा सा इसमें मैंने डाला था नमक, थोड़ा सा ऑयल, और अब इसके अंदर मैं कोई भी आपकी पसंद की जो भी शेप आप पसंद करते हैं वो आप डाल दें, और पैकेट के ऊपर टाइम लिखा होता है उसके मुताबिक इसको बॉयल कर लें। और हर कंपनी की जो मैक्रोनी या पास्ता होता है उसकी टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन मैं टाइमिंग के अलावा इसको टेस्ट भी करके देख लेती हूँ। और इसको पकने देते हैं, एक दफ़ा कर लेंगे स्टर,
और यहाँ पे मैंने 500 जो है ग्राम का पैकेट यूज़ किया है, तो साथ ही ये इसको कवर कर देती हूँ, जल्दी से पकना शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम अब इसका मसाला तैयार कर लेंगे, सॉस वगैरह। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने ऑनियन कट कर लिया है, गार्लिक यूज़ कर रही हूँ मैं, और ये 3 स्मॉल साइज़ के ऑनियन हैं, आप एक लार्ज साइज़ का भी ले सकते हैं, तो मेरे पास छोटे साइज़ के थे। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो ज़बिया हलाल के हॉट डॉग यूज़ कर रही हूँ ये डालूँगी मैं, और इसके अलावा ये पास्ता सॉस, ये ही मेरी फेवरेट है जिसका फ्लेवर मुझे पसंद है। और ये मैं आपको थोड़ा क्लोजअप से दिखा देती हूँ, इसका नाम ठीक है जी, स्पाइसी रेड पेपर एंड चिलीज। ऑलरेडी स्पाइस इसमें थोड़ा सा डाला हुआ, हर्ब्स डाले हुए, तो मुझे इसका फ्लेवर पसंद है, मेरे बच्चों को भी। तो यहाँ पे प्याज कट करूँगी मैं और गार्लिक को भी बारीक बारीक चॉप करके, तो हम इसकी सॉस तैयार करते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें ऐड होंगी इसके अंदर, लेकिन वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँ। यहाँ पर पॉट में हम थोड़ा सा तकरीबन 4-5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, मैं ऑलिव ऑयल ऐड किया है इसके अंदर मैंने। अब इसके अंदर मैं प्याज और लहसुन को फाइनली चॉप करके डालूंगी, लाइट पिंक सा करूंगी इसको मैं। पास्ता को बॉयल करने में 7 मिनट लगे हैं और ये इस वक्त जितना मुझे चाहिए कुक हो गया। अब इसका जो है स्टोव का फ्लेम है ऑफ कर दूंगी और इसको मैं ड्रेन कर लूँगी इसका पानी, और एक दफ़ा इसको ठंडे पानी से धोकर 1 टेबल स्पून ऑयल लगा कर मैं इसको साइड पर रख दूँगी। और साथ ही फिर मैं आपको दिखाती हूँ सॉस मैं कैसे तैयार कर रही हूँ। प्याज जो है देखिए लाइट पिंक सा हो गया, चेंज कर लिया है, सॉफ्ट हो गया ये थोड़ा सा, मतलब इतना आने में करना कि सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर मैं जो मेरे पास पास्ता सॉस है, ये आप की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने पास्ता के अंदर सॉस ज़्यादा रखनी है, तो आप पूरा जो ये है 680 ml का जो कैन है ये डाल दें पूरा, ठीक है। अगर आपने हल्की, आपके बच्चे लाइट सॉस पसंद करते हैं, तो आप हाफ डालें, ठीक है। मैं यहाँ पे आधी डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा सॉस पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पे इस वक्त हाफ कैन डालूंगी। इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करते हैं हम अभी। सबसे पहले इसमें नमक ऐड करूंगी मैं टेस्ट के मुताबिक। फिर हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसमें जाएगी रेड क्रश चिली वो 1 टीस्पून। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून थाइम, 1/2 टीस्पूनी ओरिगानो, और इसको कर लेंगे हम अच्छे से, एक बार मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम जो है मैंने इस वक्त नीचे लो कर दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर हमने अभी चिली सॉस भी डालनी है और थोड़ी सी केचप डालनी है। यहाँ पर ऐड करेंगे हम तकरीबन 5-6 टेबल स्पून केचप और 3 टेबल स्पून हम हॉट सॉस ऐड करेंगे। मेरे पास कुछ साशे पड़े हुए, मैं वो ऐड कर रही हूँ। तो 3 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप ज़्यादा स्पाइस खाना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा ऐड कर लें, लेकिन 3-4 टेबल स्पून इनफ होंगे। अब इसके अंदर हमने डालना 1/2 ग्लास पानी और इसको करूँगी मैं मिक्स, और हम मीडियम टू लो फ्लेम पर
इस सॉस को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। जब हम इस तरह सॉस को पकाना ज़रूरी है, फ्लेवर जो होते हैं सारे फिर अच्छे से आते हैं, तो इसको पका लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तकरीबन लो फ्लेम पर मैं इसको 7 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये सॉस जो बच के ही है इसको मैं इसी तरह नहीं रखूंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब होने का इसको चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने एवरीडे तो पास्ता नहीं बनाना होता। तो इसको सेव करने के लिए मैंने एक कंटेनर ले लिया, उसमें मैं इसको डालूंगी, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम मेरे पास्ता में काम आ जाएगी। तो इसको मैं सेव कर लेती हूँ। इसको मैं कवर करके तो इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, और फ्रिज में नहीं रखेंगे, फ्रिज में बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएगी। फ्रीज़र में मैं रख दूँगी इसको, और जब ज़रूरत होगी तो इसको डिफ्रॉस्ट कर लेंगे और ये दोबारा हमारा पास्ता इससे तैयार हो जाएगा। हॉट डॉग जो है इनको मैं कट कर लूँगी। अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें ऐड कर ले पास्ता में। यहाँ मैंने एक सॉस पैन में थोड़ा सा पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है, तकरीबन 2 कप होगा। जैसे इसमें बॉयल आएगा, हमने जो हॉट डॉग के पीसेस कट किए हैं हम इसको इस पानी में डालकर सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉयल आने देंगे। और यहाँ पे मैं इस वक्त थोड़ा सा इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करूँगी पानी में, तो इसको बॉयल आने देते हैं, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। दो मिनट के लिए हमने इसको पका लिया, बस उसका फ्लेम में ऑफ कर दूंगी। अब पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर, इसको मेल्ट कर लेते हैं। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम टू लो की हुई है, और ये जो हमने हॉट डॉग को बॉयल किए थे ये हम इसके अंदर 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मैंने बताया है हॉट डॉग को बॉयल करना और उसके बाद इसको बटर में फ्राई करना, ये उन लोगों के लिए बताया है जिनके बच्चों को हॉट डॉग में से कुछ स्मेल आती है, सम पीपल्स को आती है उसमें से, उसकी एक अपनी खुशबू जो है वो है, उसको ख़त्म करने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह कर लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं भी इसको हमेशा इस तरह ही करती हूँ। अगर आपको नहीं आती स्मेल तो फिर आप को बॉयल करने की या इस तरह बटर में थोड़ा सा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कट करें और उसको पास्ता में ऐड कर लें। बस जस्ट 2 मिनट के लिए हम इसको करेंगे, क्योंकि हमारी सॉस भी अब तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी सॉस तैयार है, इसके अंदर हमने डालना है 1 टेबलस्पून सोया सॉस, कोई सा भी यूज़ कर लें आप, डार्क कर लें या लाइट कर लें। ये डालेंगे इसके अंदर, स्टर करेंगे इसे, और इसके अंदर हमने अब ऐड कर देना जो हमने पास्ता बॉयल करके रखा था। ठीक है जी, ये डालेंगे। अंदर ऐड कर देंगे हॉट डॉग, जो बटर है वो भी ऐड करते हैं जो थोड़ा सा पैन में लगा हुआ है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं हम अच्छे से, फ्लेम जो है हमने मीडियम टू लो ही रखा हुआ है। आप यहाँ पे इस स्टेज पर कोई वेजिटेबल भी फ्राई करके डालना चाहें तो डाल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ।
ऐड कर लें, मुझे अच्छा लगता है इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत लाइट सा होता है। हरा धनिया फ्रेश वाला बड़ी बड़ी चॉप करके, थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब आप इसको सर्व करें, इस पे इसको प्लेट में निकालें, इसमें मोज़रेला चीज़ श्रेड करें और माइक्रोवेव करके तो आप बच्चों को सर्व करें। इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और यहाँ हमारा मज़ेदार सा यमी यमी सा स्पाइसी देसी स्टाइल में हमने अपना पास्ता तैयार कर लिया है। और इसको लो फ्लेम पर आपने 5 से 7 मिनट के लिए पड़े रहने देना आप, क्योंकि फिर फ्लेवर जो होते हैं वो सारे पास्ता के अंदर आएंगे इस तरह। तो ये देखिए ये मिक्स हो गया, मैं कवर करूंगी इसको और थोड़ी देर के लिए दम पे पड़ा रहने दूंगी।